आज मन की बात की 79वां एडिशन था, 89th एडिशन था। पिछले 8 सालों में देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की नागरिकों के साथ एक अनोखा संवाद की परंपरा स्थापित किया है। रेडियो एक प्रकार से 21वीं सदी में मृत प्राप्त हो गया था, लेकिन उसको फिर पुनर्जीवित करके लोक संवाद की एक अनोखा इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने खड़ा किया है। रोजमर्रे की जिंदगी से जुड़ी हुई सामान्य गपशप वो देशवासियों से करते हैं। आज जैसे उन्होंने देश विदेश में भारतीय मूल्यों की स्वीकृति के बारे में चर्चा किया, उनकी प्रवास के अनुभव के बारे में चर्चा किया, जापान में भारतीयता की प्रतिफलन की चर्चा की, ब्राजील हो या न्यूजीलैंड हो, भारतीयता कैसे पहुंची है, वेद के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से इसके बारे में उल्लेख किया, योगा के बारे में चर्चा किया। इस बार कैसे एक अनोखा तरीके से सूरज जहाँ जहाँ जैसे जैसे पृथ्वी में जाएगा वैसे वैसे योगा के माध्यम से उनको स्वागत किया जाएगा, उसकी तैयारी के बारे में चर्चा की, गुरु परंपरा के बारे में चर्चा की, नानक जी के बारे में चर्चा की, सिख पंथ की आदर के साथ चर्चा किया, उनकी अनुभूति उनसे जोड़ा, पानी के बारे में चर्चा किया, महिला स्वयं समूह के बारे में चर्चा किया, कोई एक सामान्य नीचे तबके की बच्चे की पहल के बारे में चर्चा किया। ऐसे चर्चा सुनने के बाद बड़ा आत्मीयता खड़ी होती है, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता की प्रतिफलन उसमें मिलती है। ये एक लोक संवाद की अनोखा परंपरा है। आज हम लोग यहाँ ऐतिहासिक तीन मूर्ति इलाका में हमारी जो यहाँ कुछ मित्रों के साथ बैठ के इस मंदिर प्रांगण में उसको हमने सुनने का हमें सौभाग्य मिला। मैं वहाँ की आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और आप लोग भी आए, आपको भी धन्यवाद देता हूँ।